आज हम बनाने वाले हैं उपवास में खाने वाला साबुदाना खिचड़ी। उपवास या फास्टिंग बोलते हैं हम सबको पहला याद आते हैं साबुदाना। साबुदाना खिचड़ी बनाओ या वड़ा बनाओ, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये कई बार ऐसा भी होते हैं साबुदाना एक एक बार चिपकते हैं, तब जाके अपना खिचड़ी बराबर नहीं बनते हैं। तो कुछ ट्रिक्स के साथ बनाएगा तो ये किले किले बनेगा और एकदम टेस्टी बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाएं। साबुदाना बनाने के लिए मैंने एक कप साबुदाना लिया है बाउल में। इसको मैंने अच्छी तरह पानी डालकर अच्छी तरह इसका जो अंदर स्टार्च है वो जाने जैसा हम अच्छी तरह धो के ले लेंगे। इसको अच्छी तरह पानी डाल के ये देखिए इसी तरह वॉश करके ले लेंगे। इसका अंदर जो सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है वो पूरी तरह जाना चाहिए। तो मैंने कम से कम 3 बार अच्छी तरह वॉश करके साबुदाना ले लिया है। इसका अंदर जो पानी है वो अच्छी तरह निकल गया है। अब मैंने साबुदाना जितना है इसका ऊपर थोड़ा सा पानी, यानी इसका ऊपर पानी आने जैसा पानी डालना है। साबुदाना हमको कम से कम 6 से 8 घंटा सोख के लिया तो साबुदाना अच्छी तरह खिले खिले बनेगा और बिल्कुल नाश्टिक ही बनेगा। तो हम 6 घंटे के बाद एक बार चेक करेंगे, 6 घंटे तक ये अच्छी तरह सोख के रेडी हो जाएगा। 6 घंटे के बाद हम देखते हैं। अब 6 घंटा हो गया है, ये देखिए ये अच्छी तरह फूल गया है साबुदाना। ये देखिए इतना नाश्टिक ही बने हैं, अच्छी तरह बन के रेडी हो गया है। कम से कम हमको 6 से 8 घंटा भिगो के लेना है। अब एक मैंने एक पैन लिया है, पैन में पहला डाला है 2 चम्मच तेल। अब यही जगह पे आप घी भी यूज कर सकते हो, मैंने इधर तेल डाला है। आपको पसंद है तो 2-3 चम्मच घी यूज कर सकते हो। इसमें पहला डालेंगे सेंगदाना यानी मूंगफली। 2 चम्मच मूंगफली डाला है, इसको अच्छा सा रोस्ट करके ले लेंगे। इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। अब गैस स्लो पे ही रखेंगे। ये देखिए कलर चेंज हो गया है। अब इसको तेल से निकालेंगे, एक प्लेट में डाला है 1/2 चम्मच जीरा। इसके बाद मैंने डाला है 2 बारीक कटी हुई ग्रीन मिर्ची। आप स्पाइसी के हिसाब से ग्रीन मिर्ची भी यूज़ कर सकते हो या लाल मिर्ची पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। इसमें डाला है 10 कड़ी पत्ता। ये अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें डालेंगे अदरक। अदरक को मैंने कद्दूकस करके ले लिया है, या आप बारीक चॉप करके डालेगा तो भी चलेगा, बस ज़्यादा नहीं, बस 1/2 चम्मच डाला है। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, या फ्राई करने के टाइम अच्छा खुशबू आएगा। इसके बाद मैंने इसमें एक पोटैटो ऐड कर रही है यानी आलू। इसका ऊपर छिलका नहीं निकाला है मैंने, आप चाहिए तो छिलका निकाल भी सकते हो। आलू डालने के बाद हम गैस स्लो पे रखे इसका ऊपर ढक्कन रखेंगे। हमको कम से कम 2-3 मिनट के बाद चेक करेंगे, क्योंकि ये स्लाइसेस में एकदम बारीक काटा है, ये जल्दी पक जाएगा। एक बार चेक करेंगे, पोटैटो सॉफ्ट हो गया है। अभी ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है, साबुदाना डालने के बाद भी ये और सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे साबुदाना। साबुदाना डालने के बाद ये हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसी तरह हल्के हाथ से मिक्स करना है ऊपर नीचे से। अभी इसमें मैंने उपवास वाला नमक ऐड कर रही है 1/2 चम्मच। आप टेस्ट का अनुसार आप ऐड कर सकते हो। 1/2 चम्मच ही डाला है मैंने, और 1/2 चम्मच शुगर भी डाला है। यानी चक्कर डालने से ये बैलेंस होएगा टेस्ट, बहुत ही टेस्ट भी बनते हैं। इसके बाद फ्राई किया हुआ मूंगफली पाउडर डाला है 3 चम्मच। इसको मैंने मिक्सर में दरदरा पीस के लिया है, इसका ऊपर छिलका नहीं निकाला है मैंने। अगर आप चाहिए तो इसका ऊपर छिलका निकाल के आप ग्राइंड कर सकते हो। मैं साबुदाना खिचड़ी बनाओ या वड़ा बनाओ, इसका ऊपर जो
सेंगदाना का ऊपर जो छिलका है वो नहीं निकालती है मैंने। तीन मिनट के बाद हम चेक करेंगे। ये देखिए, ये रेडी हो गया है। अब गैस स्लो पे ही रखेंगे। साबुदाना पकने के लिए कम से कम 3 से 5 मिनट टाइम लगेगा, वो जो हमने जो लिया क्वांटिटी का हिसाब से। अब इसमें बारीक कटी हुई धनिया भी डाल देंगे। साबुदाना बनाने का टाइम गैस स्लो पे ही रखेंगे। अब इसके बाद हम पहला फ्राई किया हुआ मूंगफली भी डाल देंगे इसमें। ये आप फ्राई करके भी डाल सकते हो, या नहीं है तो आप पूरा मूंगफली ग्राइंड करके भी डाल सकते हो पाउडर जैसा। ये देखिए साबुदाना कितना किले किले बने हैं। उपवास वाला साबुदाना बनके रेडी हो गया है, साबुदाना खिचड़ी।